मूवी के स्टार्ट में चार फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो आउटिंग के लिए सारा डेजर्ट आते हैं। फिर जैसे ही वो आगे जाते हैं इन्हें बहुत ज्यादा बादल नजर आते हैं। ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो सहरा में बादल और बारिश को देखकर हैरान होते हैं। उन्हें शायद लगता था कि सहरा में कभी बारिश नहीं हो सकती, इसीलिए वो क्यूरियोसिटी में आगे चले जाते हैं। जैसे ही वो आगे जाते हैं तूफान आ जाता है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। चंद ही सेकंड्स में इनकी गाड़ी पानी में डूब जाती है। वो सब पानी में बह रहे होते हैं। फिर बताया जाता है 40 दिन की लगातार बारिश से बहुत बड़ा तूफान आएगा जिससे जमीन पर बहुत तबाही होगी, सब खत्म हो जाएगा। इस तूफान का आगाज पैसिफिक ओशन से हो चुका है। इसके बाद हुनली नेवल रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है जहां इस तूफान से बचने के लिए एक आर्क डिजाइन किया जा रहा है। जहां एडमिरल वॉलेस एक मीटिंग में अपने स्टाफ को ब्रीफिंग देते हैं कि सेंट्रल अफ्रीका जो कभी रेगिस्तान हुआ करता था अब वो एक समुंदर बन चुका है। वो तूफान इजिप्ट नॉर्दर्न कोस्ट से शुरू हुआ है लेकिन इसके बाहरी बैंड्स हम तक पहुंच भी चुके हैं। इस टाइम हल्की बारिश हो रही है लेकिन तूफान के बढ़ते ही वो बहुत ही भयानक बुझाड़ में बदल सकती है। लेफ्टिनेंट जॉन एडमिरल से कहता है कि हमें तो कहा गया था कि तूफान का असर 2 हफ्ते बाद दिखाई देगा। एडमिरल बताता है तूफान हर दिन 200 मील की रफ्तार से बढ़ रहा है और अगले 5 वीक्स में वो हर तरफ छा जाएगा। ये सुनकर वो सब परेशान हो जाते हैं। जॉन कहता है कि एक एक के प्रोजेक्ट 3 साल में कम्प्लीट होना था, अभी तो इसका 2रा साल है और हम आर को 35 दिन में कैसे कम्प्लीट करेंगे। एडमिरल जवाब देता है शुक्र करो हमारे पास 35 दिन है। इसके बाद एडमिरल डॉक्टर निकल से डीएनए कलेक्टर के बारे में पूछता है। डॉक्टर निकल लेफ्टिनेंट की वाइफ है जो बायोलॉजिस्ट है। एडमिरल उसे सारे डीएनए सैंपल को मंगवाने का कहता है, जल्दी वो सैंपल यहाँ मंगवाए। जॉन फिर एडमिरल से दूसरी आर्क के बारे में पूछता है। एडमिरल बताता है बाकी आर्क टाइम पर पूरे नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस खौफनाक तूफान की वजह से हमें एक नया प्लान बनाना होगा। मुझे लगता है हमारा आर्क ही टाइम पर कंप्लीट हो पाएगा। ये सुनकर सारे परेशान हो जाते हैं कि हमारी फैमिलीज का क्या होगा। मैडी एडमिरल से कहती है आपका मतलब हमारे 90% लोग नहीं बच पाएंगे। वो जवाब देता है सिर्फ 300 पैसेंजर ही आर्क में आ पाएंगे, वो भी लकी ड्रा के थ्रू। वो लोग कहते हैं कि हमारी फैमिलीज की हिफाजत का वादा किया गया था लेकिन एडमिरल जवाब देता है अब हालात बदल गए हैं, मैंने इंतजाम तो किया है लेकिन इतने खराब मौसम में सभी का बच पाना मुश्किल है। चेस पूछता है पब्लिक को इसके बारे में क्या कहा गया है, यही कि ये एक बहुत बड़ा तूफान है। एडमिरल कहता है 24 घंटों में कंट्री डूब जाएगा, सब जल्दी से अपने अपने काम पर लग जाओ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है तूफान की वजह से तबाही शुरू हो जाती है। एक ब्रिज जो समंदर में था और उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रही होती है वो भी तूफान से तबाह हो जाता है और लोग भी। बेस में डॉक्टर निकल एडमिरल को बताती है 10 मिनट पहले न्यूज आई है ट्रेन लैंडस्लाइडिंग की वजह से रुकी हुई है। एडमिरल कहता है किसी को इस ट्रेन में जाना होगा और सारे डीएनए सैंपल यहां लाने होंगे। और डॉक्टर निकल से कहता है आपका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर निकल नेवल ऑफिसर लेन के साथ जा रही होती है तो जॉन उसे देख लेता है। वो उसे जाने से रोकता है, वो नहीं चाहता था कि निकल इस खराब मौसम में बाहर जाए क्योंकि वो अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता था। लेकिन निकल उसे कहती है इसका जाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसे ही पता है कि कौन कौन सा डीएनए ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे जाना होगा। वो दोनों हेलीकॉप्टर पर जाती हैं। वहां पहुंचकर वो ट्रेन के अंदर जाती हैं। वो थोड़े से ही डीएनए ले पाती हैं लेकिन इन्हें हनी बी का डीएनए नहीं मिलता। वो कोशिश करती हैं ढूंढने की लेकिन कैप्टन इन्हें वार्न करता है और कहता है खतरा बहुत ज्यादा है, जल्दी ट्रेन से बाहर आ जाएं। वो आकर बैठने लगती हैं तो निकल के हाथ से कंटेनर गिर जाता है। फीसर कहती है निकल छोड़ो उसको, परेशान मत हो, तुम्हारा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। केस अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके कहता है तुम जल्दी से सेंट लुइस पहुंचो, ये तूफान रुकने वाला नहीं है। वो भी सेंट लुइस की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ नेवल रिसर्च सेंटर में एडमिरल जॉन को कैप्टन फ्राइंग बिजी से मिलवाता है और बताता है ये लोग आर्क को चलाएंगे। जॉन बताता है इसमें 50,000 लोगों की कैपेसिटी है। कैप्टन फ्राइंग पूछता है कि आर्क कैसे काम करता है। जॉन बताता है इसमें लगी टरबाइन 2 तरह की एनर्जी जनरेट करेंगी, पहली एनर्जी पानी के बहाव से पैदा होने वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पूरे आर्क को चलाने के लिए काफी नहीं होगी लेकिन इस चीज से जनरेट होने वाली दूसरी एनर्जी के साथ मिलकर काम करेगी जो है मोशन। जैसे जैसे लहरें आर्क को हिलाएंगी टरबाइन के ऊपर बना हुआ काइनेटिक बैलेंस इस एनर्जी को जमा करके ऊपर पावर सेल्स के एक बैंक में बेच देगा, फिर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को चलाने के लिए काफी होगा। ना फ्यूल ना गैस, बस पानी और मोशन, ये दोनों आर्क के सूखी जमीन पर आ जाने तक खत्म नहीं होंगे। जॉन काइनेटिक बैलेंस चेक करने के लिए बैलेंस वेल्स को चलाता है लेकिन पावर सेल्स के किसी एक कनेक्शन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जॉन कहता है दूसरा बैलेंस तैयार करने में
टाइम लगेगा, लेकिन काइनेटिक बैलेंस में कुछ जरूरी मॉडिफिकेशन करके इस्तेमाल में लाया जा सकता है। एलिलॉय हमें बुई में मिलेगा, वहाँ एक शिपयार्ड है, यहाँ से ये बॉयज मिल जाएगा, एडमिरल जोन से कहता है। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन है, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम वहाँ हो और तुम क्या निकाल रहे हो। इसके बाद जॉन बॉयज लेने जाता है। दूसरी तरफ निकल परेशान होती है। नेन पूछती है, तुम परेशान क्यों हो? निकल बताती है, हम बच तो जाएंगे लेकिन ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमारे पास जो कुछ बचा है इसके साथ इंसान दुनिया में कुछ ही सालों तक जिंदा रह पाएंगे। इसके कहने का मतलब ये था, बहुत सारे इम्पोर्टेंट DNA वो लोग खो चुके हैं, क्योंकि इसके ख्याल में बिना देर सारे मौत के सैंपल के इंसान धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ शहर में दिखाया जाता है, चेस की गर्लफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ सेंट लॉइस की तरफ आ रही होती है। रास्ते में तूफान से जमीन फट रही होती है, हर तरफ मौत का मंजर होता है, लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। आम पब्लिक को इस तूफान के बारे में ये नहीं बताया होता कि ये तूफान इस कदर खौफनाक और शदीद है जिससे इंसान बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बल्कि इन्हें सिर्फ यही बताया जाता है, ये एक बहुत बड़ा तूफान है। इधर निकल और लेन DNA के सैंपल लेकर वापस हुनली रिसर्च सेंटर आ जाती हैं। निकल बताती है, हम बहुत कुछ लाए हैं लेकिन फिर भी सिंगल सेल ऑर्गेनम्स की पूरी रेंज मिसिंग है। निकल बताती है, सबसे जरूरी स्पीशीज इंसेक्ट की है, जिसमें से हनी भी सबसे जरूरी है क्योंकि वो पौधे पोलिनेट करती है, वही पौधे हम खाते हैं और जानवर भी। बिना हनी भी के हम इस तूफान से तो बच जाएंगे, लेकिन हम पूरे कंट्री को खिलाने के लिए काफी फसल नहीं उगा पाएंगे। इसके बाद वो हनी भी को दोबारा ढूंढने जाती है। वो हनी बी को इनके नेचुरल हैबिटेट पहाड़ों की सुरंगों में लेने जाती हैं। एडमिरल कहता है, तुम लोग जल्दी जाओ और जल्दी यहाँ पहुँचो। चेस की गर्लफ्रेंड कुछ लोगों को लेकर आ जाती है। नीवल सोल्जर इन्हें आगे जाने से रोक देते हैं। वो बताती है, उसके बॉयफ्रेंड चेस ने बताया था कोई आर्क है, लकी ड्रा होगा। वो फोन करके पूछने लगते हैं। दूसरी तरफ से पानी का एक बहुत बड़ा साइक्लोन आकर इन्हें घेर लेता है और सब पानी में बहने लगता है। इसके बाद निकल और लेन पहाड़ों में हनी बी को ढूंढने के लिए पहुँच जाती है। इन्हें कहीं भी हीव नजर नहीं आता। वो दोनों अंदर तक पहाड़ों की घाटियों में जाती हैं। वहाँ भी बहुत पानी होता है। इधर हुनली रिसर्च सेंटर में एडमिरल को एक ऑफिसर ट्रांसक्रिप्ट देता है। वो बताता है कि आर्क साइट के इंटरनल कम्युनिकेशन का ट्रांसक्रिप्ट है, बेस कमांडर ने इसे डिस्ट्रैक्ट सिग्नल के साथ भेजा था। ये वही ट्रांसक्रिप्ट है जो चेज ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, क्योंकि यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल थी और चेज ने इन्फॉर्मेशन लीक की थी। एडमिरल उसे पनिश करता है और उसे जेल में डाल देता है। दूसरी तरफ सुरंगों में निकल को बिहेव मिल जाता है जो थोड़ा ऊंचाई पर होता है। जैसे ही वो लेने के लिए आगे बढ़ती है, पहाड़ टूटना शुरू हो जाता है और पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, हनी भी पानी की वजह से उड़कर इनके पीछे ही आती हैं। वो दोनों प्लेन में बैठ जाती हैं। दो तीन हनी भी लेन शर्ट के साथ लगी होती हैं। वो निकल को निकाल कर दे देती है, लेकिन इनके साथ जो ऑफिसर थे, इनमें से एक पायलट था, वो दोनों ही साइक्लोन की जद में आकर मारे जाते हैं। अब इन दोनों को ही प्लेन उड़ाना पड़ता है। लेन प्लेन चलाती है, लेकिन इसमें फ्यूल कम था और नीचे पानी की वजह से प्लेन लैंड नहीं कर सकता था और इन्हें पैराशूट के जरिए जंप करना पड़ता है। लेकिन निकल डर रही होती है जंप करने से, लेकिन वो लेन के साथ जंप कर ही लेती है। फिर इन्हें वहां तीन गुंडे तंग करते हैं, लेकिन वहां काफी सारे लोग आ जाते हैं जो सर्वाइवर थे। वो निकल और लेन से हेल्प का कहते हैं, क्योंकि इन्होंने लेन को यूनिफॉर्म से पहचान लिया था, इसलिए वो लोग भी इनके साथ जाने का इसरार करते हैं। लेन तो बिल्कुल इनकार कर देती है, लेकिन निकल कहती है, आए हमारे साथ, आप भी हमारे साथ आर्क में चलें। वो सब लोग भी इनके साथ आर्क में आ जाते हैं। आर्क में आकर निकल एडमिरल से कहती है वो अपने मिशन में कामयाब हो गई है और अपने साथ लोगों के बारे में भी एडमिरल से बात करती है। एडमिरल इन्हें आर्क में आने की परमिशन दे देता है। इसके बाद बेस में अलार्म बजना शुरू हो जाता है। सब लोग भाग कर आर्क में जाना शुरू हो जाते हैं। कैप्टन फ्राइंग जॉन से कहता है, जल्दी से टर्बाइन को ऑन करो। वो लोग आर्क को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। आर्क में तकरीबन 900 लोग होते हैं। जॉन को लगता है निकल वापस नहीं आई, लेकिन वो आ चुकी होती है। वो आर्क में जॉन से मिलती है। टर्बाइन का पैनल डैमेज हो जाता है। मैडी बताती है, डरने की बात नहीं, कंपाउंडमेंट अंदर से सील किया गया है। इसके बाद टर्बाइन चलना बंद हो जाते हैं और सेल भी फट जाते हैं। जॉन इन्हें स्टील से बनी कैनोपीज दिखाता है जो सेल की जगह काम करेगा। इसके बाद वो कैनोपीज को लगाने जाते हैं। लेन लगाते हुए हवा की तेज भाव की वजह से गिर जाती है, जिसकी वजह से वो जख्मी और बेहोश हो जाती है। जबकि अरमाटो मर जाता है,
वो लेन को क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। आर्क एक पहाड़ी के अंदर फंस जाता है। अब इन्हें यहाँ से निकालने के लिए पहाड़ी को धमाके के जरिए उड़ाना होता है, तभी वो पहाड़ी आर्क के ऊपर से हट जाएगी। इसके बाद वो एथाइल क्लोराइड रेफ्रिजरेंट से धमाका करने की तैयारी करते हैं। ये धमाका मैडी, लेन और निकल करती है। मैडी और लेन दोनों पानी में जाकर वायर अटैच करती है। फिर निकल आग लगा देती है और पहाड़ी धमाके से टूट जाती है। आर्क आगे जाना शुरू कर देता है। अब तूफान रुक जाता है, समंदर बिल्कुल खामोश हो जाता है। कैप्टन सारे क्रू को बाहर आने का कहता है। इसके बाद वो लोग ऊपर जाकर डूबते हुए सूरज को देखते हैं। फिर इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनकी फैमिली के लोग भी सब खैरियत से हैं। और यूं मूवी का एंड हो जाता है।